खबरों के सफर में अब रुख करते हैं वाराणसी का, जहां आज ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला आया है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक तरीके से एएसआई सर्वे की मांग को लेकर मंजूरी दे दी है। कोर्ट में दाखिल हिंदू पक्ष की याचिका पर अपना फैसला सुनाया और विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की इजाजत दे दी। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को तय की गई है। ज्ञानवापी केस के याचिकाकर्ताओं की ये खुशी, ये उत्साह और ये जोश वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश के तुरंत बाद देखने को मिला, जिसमें विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक तरीके से एएसआई सर्वे की मांग को आज मंजूरी दे दी गई। फैसला पक्ष में आया तो याचिकाकर्ताओं की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में 7 मुकदमे क्लब होने के बाद पिछली तारीख 14 जुलाई को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया, मगर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और हिंदू पक्ष की ओर से दी गई मांग को कोर्ट ने मान लिया। माननीय जिला जज महोदय ने फैसला दिया, हमारे 327 जो है प्रार्थना पत्र था, जिसमें हम लोगों ने मांग किया था कि वैज्ञानिक विधि से पूरे बैरिकेटिंग जो एरिया है सील्ड एरिया को छोड़कर एएसआई जांच करवा लीजिए, उस पर इन्होंने मुहर लगाया हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए। उसमें माननीय जिला जज महोदय ने आदेशित किया है कि एएसआई जो है जांच सर्वे वैज्ञानिक विधि से जो भी इनके पास टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो जीपीआर सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम से बिना डैमेज किए, बिना नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक विधि से इस परिसर के पश्चिमी द्वार से लेकर जो खंडहर नुमा है वहां से लेकर पूर्वी तक पूरे बैरिकेटिंग एरिया की आप जांच जो है करवा लें एएसआई जांच का। कुल मिला के हमारे प्रार्थना पत्र को माननीय जिला न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। 3 दशक से ज्यादा पुराने इस मामले में साल 2021 में श्रृंगार गौरी की पूजा दर्शन की मांग करते हुए 5 महिलाओं रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, राखी सिंह और सीता साहू ने एक याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिसके बाद मामला निचली अदालत से होते हुए हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन सर्वे को लेकर इसी महीने की 12 और 14 तारीख को वाराणसी जिला अदालत में बहस पूरी हुई और आज वाराणसी कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस मांग को मानते हुए एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने आज अपने फैसले में कहा कि 4 अगस्त तक एएसआई के जो अधिकारी हैं वो आए और आकर ये बताएं कि आखिर इस ज्ञानवापी परिसर का वो सर्वे कैसे करेंगे, कौन सी वो तकनीक होगी, कौन सी वो साइंटिफिक पद्धति होगी जिसमें बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए वो ये बता सकेंगे कि ये जो ढांचा है, ये जो स्ट्रक्चर है, आखिर ये है क्या, क्या ये मंदिर है, क्या ये मस्जिद है, क्या ये मंदिर का भग्नावशेष है जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया, या फिर जो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये एक बैरन लैंड पर बना, क्या इसमें भी कोई सच्चाई है। वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई होगी और महिलाओं की ओर से श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की याचिका पर भी इसके बाद ही निर्णय होगा। वाराणसी से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको ज्ञानवापी केस से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी तफसील से बताते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। दावा किया जाता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हिंदू पक्ष दावा करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई दावे किए जाते हैं, जिनमें एक दावा
ये भी है कि मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने 1585 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, मगर 18 अप्रैल 1669 में मुगल आक्रांता औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। तब मंदिर गिराकर इसकी जगह पर मस्जिद बना दी गई। मस्जिद के निर्माण में मंदिर के ही अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था और इसके बाद मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया। याचिका में ज्ञानवापी में पूजा करने की इजाजत मांगी गई। स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे इस मामले की याचिकाकर्ता थे। 1991 में ही केंद्र सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था और इस कानून के मुताबिक आजादी के बाद ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों को उनकी यथास्थिति में बरकरार रखने का विधान है। मस्जिद कमेटी ने इस कानून का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे की याचिका को चुनौती दी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने 1993 में विवादित जगह को लेकर स्टे लगा दिया और यथास्थिति कायम रखने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद स्टे के आदेश की वैधता को लेकर 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता शाहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा दर्शन की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की। फिर 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया। 26 अप्रैल 2022 को सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया। मई में सर्वे के दौरान यह दावा किया गया कि ज्ञानवापी में शिवलिंग जैसी आकृति मिली और फिर जुलाई 2022 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले का इंतजार करने को कहा। मई 2023 में ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का हाईकोर्ट ने आदेश दिया। 7 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद 23 मई को 2003 को वाराणसी जिला जज की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और कहा यह गया कि ज्ञानवापी मामले में सभी 7 केस एक साथ सुने जाएंगे। 14 जुलाई 2023 को ज्ञानवापी परिसर का एएसआई का सर्वे कराने को लेकर भी व्यापक बहस हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का विरोध किया गया और अब आज कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने का संकेत दिया। अगला कदम आपको क्या रहेगा अंजुमन जमिया का? देखिए, हम अपनी कमेटी से बात करने के बाद जो है, जो इसका कदम होता है, लीगल प्रोसीडिंग जो होती है वो यही होती है कि इसके बाद अपील रिवीजन में जाएं। तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? हाँ, रिवीजन हाईकोर्ट में होगा तो हाईकोर्ट में ही जाएंगे। 4 तारीख की डेट पड़ी है तो क्या लग रहा है कि 4 तारीख की डेट से पहले आप लोग चले जाएंगे हाईकोर्ट? यकीनन। आगे बढ़ते हैं, अब बात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की यानी कि NDLS की, जहां बच्चों के लिए गेमिंग जोन बनाया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कमाई के मामले में देश भर के 7000 स्टेशन में सबसे आगे है। ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग, विज्ञापन, पार्किंग, प्लेटफॉर्म टिकट, स्टेट हाउस, रिटायरिंग रूम, खाने पीने स्टॉल, फूड प्लाजा, लाउंज, क्लॉक रूम, वेटिंग हॉल और वाईफाई की सुविधा के जरिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ने सालाना 2400 करोड़ रुपए की कमाई की है और देश के सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन में शुमार होने वाले NDLS से हर साल करीब 3.7 करोड़ लोग सफर करते हैं और यहां से हर रोज 400 से ज्यादा यात्री ट्रेनों का परिचालन होता है, जिसकी वजह से हर रोज 5 लाख से ज्यादा यात्री यहां से अपने गंतव्य स्थल पर यात्रा करते हैं और इनमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल होते हैं। ऐसे में अगर ट्रेन लेट हो जाए तो कई बार यात्रियों के लिए समय काटना मुश्किल हो जाता है। ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड में छोटे बच्चे साथ होते हैं, प्लेटफॉर्म पर उनके साथ रेलगाड़ी का इंतजार करना कई बार मुश्किल हो जाता है और इसी को देखते हुए कुछ दिन पहले ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फन जोन यानी कि गेमिंग जोन की शुरुआत की गई, जहां बच्चे गो कार्टिंग, बाइक रेस, ट्रेन राइड, वीआर गेम्स, मेगा वार एयर हॉकी, 9D सिनेमा और हॉरर हाउस जैसी गेम्स खेल सकते हैं।
अगर हम आपको बताएं कि इस फन जोन में अलग अलग क्या क्या एक्टिविटी है, तो कार रेसिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, बाइक रेसिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार के गेम यहाँ पे खेल सकते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को यहाँ पे 3D मूवी दिखा सकते हैं। गोस्ट जोन यहाँ पे बनाया गया है, अगर आपके पास आपकी ट्रेन डिले हो जाती है तो आप आराम से यहाँ पे आके बच्चों के साथ मनोरंजन कर सकते हैं। और बच्चों के लिए ही नहीं, यहाँ पे 3 साल से 80 साल तक का कोई भी व्यक्ति आ सकता है और अपना समय यहाँ पे आसानी से व्यतीत कर सकता है अपने जैसा। ये दूसरा एक फन जोन दिल्ली में खोला गया है, इससे पहले आनंद विहार रेलवे स्टेशन में ये फन जोन खोला गया था, उसके बाद अब ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में इस फन जोन को लोगों की सुविधा के लिए खोला गया है। तो फन जोन फिलहाल बच्चों को ध्यान में रखते हुए खोला गया है, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं। अगर ट्रेन लेट होती है या इंतजार लंबा हो जाता है तो वहां पर बच्चों के साथ सफर करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए इसी सोच के साथ इसको खोला गया। तो दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तर्ज पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी गेमिंग जोन की शुरुआत हो चुकी है। खास बात यह है कि सफर नहीं करने वाले लोग भी अपने बच्चों के साथ इस गेमिंग जोन का मजा ले सकते हैं। यानी कि फन जोन के नाम से शुरू हुए इस गेम जोन में खेलने के लिए लोगों को ट्रेन यात्रा या फिर प्लेटफॉर्म टिकट की जरूरत नहीं होगी। इस गेमिंग जोन को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइट पर मौजूद हॉल के फर्स्ट फ्लोर पर यानी कि पहली मंजिल पर बनाया गया है, जिसकी वजह से सफर नहीं कर रहे लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस गेम जोन की खास बात यह है कि यहाँ खेले जाने वाले गेम्स की कीमत किसी भी मॉल से 25% कम है। किड राइड, डक राइड जैसे गेम्स के लिए 4 मिनट के 50 रुपए देने होंगे, जो अधिकतम 100 रुपए तक जा सकता है। 16 तरह की गेम्स इसमें शामिल है। बम्पर कार यानी कि गो कार्टिंग, इसके लिए अधिकतम 150 रुपए देने होंगे, जबकि मेगा वायर में 50 रुपए देने होंगे और इस गेम के समय की कोई भी सीमा नहीं है। इसके अलावा हॉरर हाउस, टॉय कैचर और मिरर इमेज गेम के लिए अधिकतम 100 रुपए देने होंगे और इसमें भी किसी भी तरह का कोई टाइम लिमिट नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी एंट्री फीस यानी कि कोई शुल्क के अपने बच्चों के साथ गेमिंग जोन में आप एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ गेम के हिसाब से ही उन्हें पैसे चुकाने होंगे। अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आते हैं तो फन जोन में आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, इससे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ की सेल्स एग्जीक्यूटिव वंदना यादव है। अगर लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो इसके पहले तो जानना चाहेंगे कि प्राइस क्या है और क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हैं। मैम जी, यहाँ के प्राइजेस है वो लोएस्ट प्राइजेस स्टार्ट करें तो 50 रुपीज से स्टार्ट है, कोई भी आके यहाँ पे प्ले कर सकता है। स्टार्टिंग 50 से एंडिंग 150 पे है इसकी। यहाँ पे आने के लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट आप यहाँ पे आ सकते हैं। और क्या खास बात है यहाँ पे इस फन जोन? मैम खास बात यह है कि जैसे कि अभी मॉल्स में जाते हैं, मॉल से यहाँ पे प्राइस भी बहुत लेस है, 25% लेस है यहाँ पे प्राइस, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे रेलवे स्टेशन में अगर आप आते हैं तो फन एक्टिविटी कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ और खुद भी उन एक्टिविटीज में पार्ट ले सकते हैं। कैमरा पर्सन मिदुल के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। और इस गेम जोन में 3 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक गेम खेल सकते हैं। गेम जोन की एक खास बात और भी है और वो ये कि पूरी तरह से एयर कंडीशन है। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम है। फन जोन नाम का ये गेमिंग जोन 365 दिन और 2400 घंटे खुला है, जिसका फायदा लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने आए यात्री खूब उठा सकते हैं। ट्रेन लेट भी हो जाए तो अपना मनपसंद गेम खेलकर समय काट सकते हैं। अभी आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की ट्रेन है आपकी? अभी हम पटना जा रहे हैं। तो अभी तो समय है तो आप बच्चों को लेके यहाँ? हाँ, बच्चों को लेके आगे बच्चों का टाइम पास भी हो जाएगा। तो अगर ऐसी चीजें रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे हो फन जोन तो कितनी सुविधा रहती है पेरेंट्स? बहुत अच्छी रहती है, खास करके बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है, टाइम कट जाता है बच्चों का, हम लोग को भी हेल्प मिलती है। वैसे भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की मुहिम को तेजी से इस पर काम चल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए 5 अक्टूबर को टेक्निकल ई बिड्स खुलने जा रहे हैं और अगर टेंडर में कोई पेच नहीं फंसता तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद यात्रियों को इस स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। बच्चों के लिए गेमिंग जोन के अलावा फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज, स्वचालित सीढ़ियां, कैफेटेरियाज और 5-स्टार होटल जैसी कमर्शियल जोन्स भी यहां पर बनाने की योजना है। और इसके अलावा रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ स्टेशन भवन का निर्माण किया जाएगा, यानी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। दरअसल भारतीय रेलवे की कोशिश यही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिले
और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। पिछले साल ही रेल मंत्रालय की ओर से आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नए मॉडल की तस्वीर भी शेयर की जा चुकी है। अगर योजना के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को उसी तर्ज पर तैयार किया गया तो वो किसी मॉल या फिर वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट से कम नहीं लगेगा। रेल मंत्रालय की योजना के तहत बनने के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न स्टेशन बन जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इस डिजाइन पर साल के अंत तक काम शुरू हो सकता है। इस मॉडल का काम रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।